हमारे साथ नरेश यादव जी हैं जो लोकल एमएलए हैं वसंत कुंज और मेहरौली विधानसभा के। हमारे साथ ए के सहानी जी हैं जो एचओडी इंडियन स्पाइनल इंजरी के न्यूरो साइंस के हेड हैं। सर, आपने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया, इसका क्या रीज़न था और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये एक अवेयरनेस कैंप है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे वाले दिन डॉक्टर ए के सहानी जो एचओडी न्यूरो साइंसेज हैं, इन्होंने स्ट्रोक की एक कैंपेन स्टार्ट की है जिससे कि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि किस तरह से आपकी लाइफ बच सकती है और कैसे आप एक गोल्डन आवर में अपने पेशेंट को लेकर तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। ये स्टार्ट किया है वसंत कुंज D7 से और इसको पूरा वसंत कुंज कवर करते हुए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग कवर करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे स्ट्रोक से रिलेटेड सारी डिजीज के बारे में। थैंक यू सर। सो व्हाट यू थिंक द बेनिफिट्स ऑफ दिस? एमएलए साहब हैज ऑलरेडी टोल्ड दिस इज अ यूनिक डिजीज। व्हाई वी नीड अवेयरनेस इन दिस डिजीज, यू नो, बिकॉज इफ पब्लिक आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एंड इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस डिजीज, दे विल नॉट बी एबल टू बी क्योर्ड बाय इवन बेस्ट एफर्ट ऑफ द डॉक्टर। Because when a patient comes with paralysis, we treat, but the patient remains paralyzed for throughout life and अपाहिज हो जाता है पूरा जिंदगी भर, या कभी कभी हम उसको खो बैठते हैं। अगर वो सही टाइम पे आ जाए, जो उन्होंने बताया जो गोल्डन आवर होता है कि अगर किसी साइड के अंग आपके कमज़ोर हो रहा है, सोनापन हो रहा है, तो तुरंत उस पेशेंट को हॉस्पिटल पे लेके 3 घंटे के अगर आप पहुँचे तो पहुँचाते हैं, तो हम एक क्लॉट बस्टिंग एजेंट देते हैं, जो ब्रेन में क्लॉट हो जाता है उसको डिजॉल्व करने के लिए एक मेडिसिन दिया जाता है PPA नाम के, वो 3 घंटे में काम करता है। अगर 3 घंटे के बाद हम देते हैं उसको, रात ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाएगा और वो पेशेंट को हम बचा नहीं पाएंगे। इसलिए ये जन जागृति अगर हम पैदा नहीं करेंगे, एक जन आंदोलन अगर पैदा नहीं करेंगे, ये धीरे धीरे एक महामारी जैसे एपिडेमिक जैसे सुनामी जैसे आ रहा है। आप शायद इसको या पब्लिक इसको एहसास नहीं कर रहे कि जब डेंगू फैला हुआ है, जब मलेरिया फैला हुआ है, ये क्या है। ये इसलिए हम जागरूक नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा बूढ़े लोगों को होता है। हम जानते हैं ठीक है 70-80 साल में उसको तो मरना था, उम्र गया, क्या हुआ, लेकिन एक आदमी अगर एक बार अपाहिज होता है, यहाँ पे ही है हमारे सुरेश शर्मा जी है जिनके पिताजी ने करीबन 5-6 साल ऐसे एक साइड पैरालिसिस होकर कोमा होकर घर पर पड़े रहे, और जब ये होता है एक परिवार के ऊपर, एक समाज के ऊपर क्या बीतता है, हमने उसको एहसास किया है। तो ये हमको तभी एहसास हुआ कि अगर पब्लिक इसमें जागरूक नहीं होंगे, सिर्फ हम ट्रीट करते जाएं, बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट भी दे जाए, पैरालिसिस पूरा ठीक नहीं होगा, वो ज़िंदगी भर फिजियोथेरेपी करता रहेगा और ऐसे ही उसका फैमिली सफ़र करेगा। सर, आज हमने इस कैंप में कौन कौन से टेस्ट ऑर्गेनाइज करे थे? यस, हमने स्ट्रोक रिस्क फैक्टर्स, मैंने जो जो कारण रहने से आदमी को स्ट्रोक होता है उसी को टारगेट किया है, उसी को चेज कर रहे हैं। मेनली डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं। ब्लड ग्लूकोज में एक्चुअली एक HbA1c है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं, ECG ले रहे हैं हार्ट की टेस्ट के लिए, और बाकी कुछ टेस्ट जो है, जो बड़े बड़े टेस्ट होता है, MRI होता है, MRNG होता है, जो कि काफ़ी महंगा है, उसको 30% डिस्काउंट में हॉस्पिटल में हम उनको कूपन दे रहे हैं, जाके उसको करें, क्योंकि वो थोड़ा सा समय सापेक्ष है और ज़्यादा महंगा है, उसमें हम 30% रिडक्शन यहाँ इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को दे रहे हैं। बिकॉज जन जागृति, वो खुद घर पे से निकल के नहीं आएंगे तो हम उनको कूपन छोड़ देंगे तो वो तो कूड़े में जाएगा। थैंक यू सर, मैसेज। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच सर।